है वे अपनी शिष्याएं बन जाती है, क्योंकि पूरा वातावरण खिजा बदल जाती है। ऐसा लगता ही नहीं कि हम कोई पत्थरों में बैठे हैं, कोई मकान में बैठे हैं। ऐसा लगता है कि हम तो 24 घंटे जागृत हैं, चैतन्य हैं। यदि वहां पर चेतना या चैतन्य अवस्था में कोई हो, और चैतन्य अवस्था में केवल ब्रह्म हो सकता है या गुरु हो सकता है, उसमें फिर दूसरे कोई विचार मन में चिंतन धारणा आकर्षण मैं गृह बैठे थे किसे करके मुझे जेल में डाल देते हैं, क्या करेंगे, क्या करूंगा। मगर समय एक अद्भुत योग बन रहा है। मैं यूं कह रहा हूं, होली का पर्व कन्या राशि में 6 ग्रहों का संयोग, और फिर उस पर्व में कोई भी साधना, कोई भी दीक्षा, इसका महत्व मूल्य का है, क्या भाव है। मैं जानता हूं कि होली का दिन क्या होता है, मैं जानता हूं कि इसका मतलब क्या होता है, मैं जानता हूं कि इस क्षणों में कोई साधना करने का अर्थ क्या होता है, और मैं जानता हूं कि इस क्षण में कोई दीक्षा लेने का तात्पर्य क्या होता है। ये समय तो फिर भी चला जाएगा, होली अगले साल भी आ जाएगी, आप हम जिंदा भी होंगे, मगर 6 ग्रह एक साथ कन्या राशि में इकट्ठे नहीं हो पाएंगे, संभव नहीं है। जो अगले 100 साल का पंचांग तो मुझे मौके की याद है। तो यह एक योग है, ये योग है, आप मेरे साथ बैठे हैं, यह भी योग है। मगर आप मेरे बीच में डिफरेंस नहीं होना चाहिए, इस योग को आप पूर्णता देनी है। और इसके लिए फिर वैसी स्थिति बनती है इस श्लोक में, जैसे बताया गया है कि जैसे बेल अकेली ऊपर चढ़ नहीं सकती, जब पेड़ से लिपट जाती है और लिपट जाती है तो पेड़ के ऊपर चढ़ जाती है वो, और अगर उस बेल को खींचे तो छूटती नहीं पेड़ से, उसको काट करके हटाया जा सकता है। प्रभु करे आप बेल बन जाएं और गुरु रूपी पेड़ के चारों तरफ लिपट जाएं, और ऐसे लिपट जाएं कि संसार का कोई व्यक्ति आपको हटा नहीं सके। मैं गुरु दीक्षा दे रहा हूं, और जब मैं दे रहा हूं तो आप सब ले रहे हैं, और आप जो भी साधक हैं, इन साधकों के लिए जो प्रयोग रात्रि को है या कल सुबह में कराऊंगा, उनके लिए अलग मैंने कहा है, कराऊंगा मैं, कराऊंगा। होली का आज रात्रि को पर्व भी है, होली दहन है, और होली दहन कल सुबह भी है। आप कहना क्या 2 बार होली दहन होती है, होली 5 बार दहन होती है। आपने अपनी जिंदगी में 1 बार लकड़ियां जलाई है, होली दहन नहीं किया है। होली दहन का पंचाग्नि तप कहा गया है, और पंचाग्नि तप का मतलब है 5 बार अग्नि जले और हम उसमें शुद्ध हों, तब कंप्लीट होली मानी जाती है। हम 1 बार जार जंखार जलाए और होली जलाई और चंग बजाया और गीत गाए और हो गया, रंग अबीर गुलाल उड़ाए और खेल खत्म हो गया। बट क्या शास्त्रीय पद्धति ऐसी है, ये तो लंबी विवेचना की बात है। मैं शाम को फिर इस बात को समझाऊंगा, क्योंकि सुबह से ही थोड़ा विलंब हो गया है, और जो कुछ साथ में करवानी है वो करवानी है। समय तुम्हारे मेरे बीच में बीत रहा है, और दूसरे भी क्रियाकलाप है। इसलिए है भजन अचानक कहने खा रहे हैं, Thank you.
जाने से स्विट्जरलैंड जाना चाहता था, फिर लंदन में 3-4 दिन रुका था पहले, तो 4 दिन ही परमात्मा बिजी था और यही ड्राइव करती थी लड़की, और कार में जहां भी जाना होता था और लंदन में परचेजिंग करनी हो, मार्केट जाना हो, कहीं बिजनेस हो, सीज हेल्प मी। और उसके बाद स्विट्जरलैंड फ्रांस घूम के वापिस आया, तभी 3 दिन फिर लंदन में रुका, क्योंकि एयर इंडिया का टिकट 3 दिन बाद था। तभी 3 दिन इसने लाइक ए ड्राइवर खूब गाड़ी में जहां भी जाना था गए, बट उस समय इसको हिंदी आती नहीं थी। सी से दैट गुरुजी आई डोंट नो हिंदी, आई वांट ओनली इंग्लिश एंड सेइंग दिस, व्हाट कैन आई डू, हाउ इज पॉसिबल टू अंडरस्टैंड यू, आई अंडरस्टैंड, डोंट वरी, यू से मी। तो ये अंग्रेजी बोलती रहती, अंग्रेजी जवाब देते रहता उनका कि, और वे दिन, मगर इसने साल भर में ही इतना अच्छा हिंदी बोल भी लेती है, भजन भी गा लेती है, पर उस समय तो शायद मुझे ध्यान है कि शायद हिंदी इसको बातचीत करनी शायद नहीं आती थी हिंदी में, क्योंकि इंग्लिश में ही रही है, वही रही है। मैं इंग्लिश बोलता था, मैं इससे अच्छी इंग्लिश बोलता था, ऐसी कोई बात नहीं। उन्होंने सोचा कि आप इंग्लिश गुरु जी कैसे बोल लेते हैं, जैसे तुम बोल लेते हो मैं बोल लेता, तुम कार ड्राइव, मैं भी ड्राइव कर लेता हूँ, आप करिए। कार ड्राइव की बहुत स्पीड में तुम कहो, मैं थोड़ी और तेज दौड़ा तो मुझे क्या तकलीफ है, मरने वाले मरेंगे ना, अपन थोड़ी मरेंगे। जब कार चलाना है तो फिर डरना का है, क्या तुम धीरे 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 धीरे, क्या रूल्स है उसमें, क्या रूल क्या रेगुलेशन, तो मरने के बाद पूछेंगे भाई क्या रूल्स रहे क्या रेगुलेशन रहे। लाज बहुत अच्छा भजन गाया और थैंक यू वेरी मच। टोक्यो यूनिवर्सिटी में मैं प्रोफेसर था एस्ट्रोलॉजी का और ओकल्ट साइंस का, मंत्र क्या है, तंत्र क्या है, योग क्या है, तो 6 महीने वहां रहा। वे या तो जापानी समझते हैं या इंग्लिश समझते हैं, मैंने भी जापानी के 15-20 अक्षर सीख लिए, जापानी अलग लैंग्वेज थी, जिससे मेरा काम चल जाए, बाजार जाए तो मतलब खाने की बात पूछे कि क्या है क्या नहीं है, शाकाहारी है कि मांसाहारी है, क्या ऐसा उसी गया था, यो एक साथ में था या कोई शिष्य थी, और कॉलेज में तो शिष्याएं भी थी, शिष्य भी थे, और एक दिन संगीत सम्मेलन हुआ, सर्वभाषा संगीत सम्मेलन, तो सभी भाषाओं के जापानी
में संगीत गाने वाले गाने गाने, इंग्लिश में गाने वाले, फ्रांस में गाने वाले, ऐसे सभी, क्योंकि वहां तो उस इंस्टीट्यूट में सभी देशों के लड़के पढ़ते थे, और भी प्रोफेसर था और भी प्रोफेसर थी। और उनका गाने से कोई सीधा संबंध डायरेक्ट रहा नहीं, इनडायरेक्ट रहा। बात सुनने खूब गाते हैं, धुआं धुआं बाहर बाहर आने के बाद कहते हैं, अरे गुरु जी गाना गाते हैं, गुरु जी गए फिर गाना गाते हैं, अब गुरु जी गाना गा नहीं सकते, गड़बड़ ये है, चलो यहाँ पर इंडिया में बाहर चलता है। तो उन्होंने कहा कि आज जो प्रोफेसर है वो सब गाना गाएंगे लड़के ने, अप्रोक्सिमेट 6-7-5, एक इंग्लिश का प्रोफेसर था, एक मेडिकल साइंस का प्रोफेसर, ज्योतिष का प्रोफेसर था, और एक फ्रांसीसी भाषाओं के 5-6 थे, और एक वाइस चांसलर साथ में थे, और एक वहां के मिनिस्टर थे, 7-8 थे, एक उद्घाटन करने के लिए आए थे। तो सब ने इंग्लिश पढ़ा, इंग्लिश में गाना गाया, अफ्रीका वाले ने अफ्रीला गाया गाय, हमने भी गर्द गलत रहे, मालूम पड़ता है, जानता है, सीख रहा है, समझ रहा है, हिलाना चाहिए अपने। फिर मुझे कहा कि डॉक्टर सिंह वाले आर्य सिंगिंग में गया, यू सिंग ए सॉन्ग डेफिनेटली। मैंने कहा कि उस इंग्लिश में कहा, आप जो भाषा में कहें वो गा लें, आप हिंदी की बात करो, हमें तो सभी भाषाओं के गाने याद हैं, तुम काहे की कर रहे हो, लेकिन इनके ऊपर टांग रखनी है तो कोई तरीका अपनाना पड़ेगा। अब मैं हिंदी का ही जानता हूँ तो मामला चलेगा नहीं। सबसे डिफिकल्ट लैंग्वेज चीनी की, चीन भाषा की, लिखने की भी बोलने की, वो सबसे नाम भी उनके बड़े अजीब से होते हैं। तो उसने कहा कि आर यू नो चीन चाइना, आर यू सिंगिंग चीन, डेफिनेटली। तो मुझे चीनी की आवाज नहीं, मुझे भी चीनी गया, कभी चीन गया जरूर, देखा जरूर था, मुझे चीनी भाषा आवे नहीं, मुझे तो कुछ नहीं। तो लोगों ने ताले बजे के साथ टॉप सिमल से चीनी भाषा में एक गीत सुना, हमें बस सुनाते हैं। हमें सोचा ये तो जापान के लोग रहने वाले, अब ये चीन को ये भी क्या जाने, मन में ये सोचा, अरे ऐसे मतलब हमको गए भी तो है नहीं चीन का, अफ्रीका के अभी तो सुना देते, हम तो क्रिमिनाट की सुना देते, हमें क्या तकलीफ है, ऐसे मना तो है ही नहीं जिंदगी में। तो उसने मैंने कहा कि मैं गाना गाता हूँ, आई सिंग ए सॉन्ग सो ब्यूटीफुल एंड एबनॉर्मल इन चाइना इज एंड बट यू, आप मुझे कन्विंस करेंगे, आप मुझे थैंकफुल करेंगे, आप एहसास करेंगे, आपको समझ में आना चाहिए, आपके चेहरे से मुझे लगना चाहिए, ऐसा मैंने पहले समझाया उनको, ऐसा नहीं कि आप फूट की तरह बैठे रहे हैं। ऑल राइट बट यू सिंग इट सॉन्ग ला चो ला। क्योंकि मुझे चीनी भाषा में 1, 2, 1, 2, 3, 4, 5 बस इतने आता था, एक को क्या कहते हैं, रुपए देने पड़ते थे, हाँ तो चाइना में रहा था कि 2 रुपीज 2 को क्या कहते, 3 बस एक से तो गिनती, उसके अलावा कुछ आता ही नहीं था। अब मैं उसी को अक्सर घूमता रहता था, लोगों ताली बजे गाना खत्म, लोगों खूब ताली बजे। अब वो लड़के करीब 5-7 हजार लड़के थे इंस्टीट्यूट, सर आपने बहुत कमाल तो की, पास में चीनी बैठा हुआ और उसको सारी चीनी, वो जो उद्घाटन करने आया था ना, वो चीन में रहा हुआ था रात को, ये मुझे